हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और न्यू ईयर में न्यू जोश के साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी कर रही हूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन था मेरे कॉलेज के बारे में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अबाउट एडमिशन के बारे में है इन्फॉर्मेशन। तो मैं, एज यू ऑल नो गाइस, कि मैं सीएम साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। नाउ एमएससी कर रही हूँ सीएम साइंस कॉलेज से। तो एमएससी फर्स्ट पार्ट का मैं अभी डिटेल्स बताती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ क्या, मतलब क्या हुआ, कैसे फॉर्म हम लोग भरे थे। और अभी का मैं, मतलब तीनों सेमेस्टर का मैं अभी आपको डिटेल्स से बताऊँगी। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता रही हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का, जब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्लियर हुआ, तो मतलब कॉलेज में डेट इशू हुआ कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको एडमिशन लेने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। तो मैं 1000 रुपया दी ऑनलाइन का फॉर्म में। तो वो साइबर से हुआ था। तो साइबर वाला, यू नो ऑल, कि साइबर वाला जितना होते हैं उसका, मतलब 150-200 रुपया अप्रॉक्स वो बढ़ा करके ही आपसे लेते हैं। तो हमसे भी, तो मुझे 1000 रुपया लगा था रजिस्ट्रेशन करवाने में, जो कॉलेज में एंट्री करने का जो पेपर होता ना वो। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा सबमिट करके फिर मैं कॉलेज में गई एडमिशन के लिए। तो एडमिशन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उस मुझसे पैसे लिए गए थे 2910 रुपया। ये रहा उसका रिसिप्ट है, ये चलान है। तो सीएम साइंस कॉलेज का एक और ये खास बात है कि हर कॉलेज में ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाइए। तो मतलब एमएससी काउंटर पे, जो भी उनका हर कॉलेज का अपना अपना काउंटर होता है, तो हम लोग का काउंटर है एमएससी काउंटर। तो उस पर ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिएगा तो मतलब पैसा वहीं पे करना होता है। लेकिन सीएम साइंस कॉलेज में आपको वहाँ पे पैसा पे नहीं करना होता। एक बैंक है, ये विजय बैंक है। तो ये बैंक जो है वो सीएम साइंस कॉलेज से कनेक्टेड है। तो ऐसा, मतलब आपको ना इतना बड़ा ये चालान देंगे काट कर। ये एक पार्ट है चालान का, और तीन पार्ट जो है ना वो बैंक वाले ले लेते हैं। तो वहाँ जा कर के पैसा डिपॉजिट करना होता है। जिस डेट पे चालान कटा है उसी डेट पे, मतलब पैसा डिपॉजिट करना बैंक में ही होता है। अदर डेट लेकर जाएंगे आप तो नहीं होगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल्स। अब मैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बता रही हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाना होता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ ना कि अब बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना पैसा आप ले ही लिए, फिर सेकेंड सेमेस्टर में लड़कियों से 3000 रुपीस मांगा, 3000 रुपया मांगा गया था। अब लड़कियां कमाती थोड़ी ना है कि मतलब उतना पैसे ला करके देंगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था सेकेंड सेमेस्टर में भी। तो बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा होने के बाद सारे लड़कों से भी उतना ही पैसा लिया जा रहा था, 3000 रुपया, और लड़कियों से भी। तो लड़का लोग को, यू नो, बिहार में एक रूल है कि लड़कियों से ज़्यादा पैसा लेना, लड़कियों से कम लेना। अब फर्स्ट सेमेस्टर में इतना पैसा आपका लगा ही, फिर सेकेंड में, और हर 6-6 महीना पर सेशन चेंज होता रहता है। तो हर 6 महीना पर आदमी इतना पैसा कहाँ से ला कर देगा। लड़कियों के लिए तो ये तो बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। लड़का लोग तो कहीं से भी अरेंज करके दे भी देता है, यू नो, वो लोग काम काज भी कुछ कुछ कर लेते हैं, बट लड़कियों के लिए नहीं हो पाता है गाइज। लड़कियों के लिए ना बहुत ये होता है, माँ बाप, यही वजह है कि लड़कियों को जो माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। गांव घर में अभी भी देखा जाता है कि लड़कियों को लड़कों से कम रखा गया है, यही सब वजह। किसी की कॉलेज में इतना फी लगता है, स्कूल में लगता है, जाने आने का किराया दो, कुछ खाने के लिए पैसे दो, तो पैसे ही पैसे हैं, खर्चा होता है। तो इसी वजह से तो लड़कियाँ लोग कहाँ से पैसे ला करके देंगी। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे, मेरे पास भी पैसे था रहे। पापा को बोली तो पापा, मतलब लास्ट मंथ चल रहा था, तो पापा बोले बेटा इतना पैसा मैं कहाँ से ला करके दूंगा, अभी तो रुक जाओ। और लास्ट, मतलब डेट भी है ना, मतलब 3-4 दिन के इंटरवल में आपको एडमिशन लेना होता है। डेट भी ये नहीं है कि आपको 10-15 दिन का डेट इशू करेगा कि हाँ आपको इतने तारीख से इतने तारीख तक एडमिशन लेना, नहीं। अभी थर्ड सेमेस्टर का जो हुआ है ना, वो 29 से लेकर के 4 तारीख तक ही लास्ट डेट है। अब बताओ, अब इतना, मतलब ऐसे ही डेट रखा जाता है।
मैं सेकेंड पार्ट में भी बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना इतना पैसा मांग रहा था, तो हम लोग मिलकर बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा किए थे। तो कहाँ 3,000 रुपये से 300 रुपये में आ गया हम लोग का ना फीस सेकेंड पार्ट सेमेस्टर में कम हो गया था। ये देखिए ये यहाँ रहा 300 का मतलब ये कटा था रसीद। तो ये देखिए ये है सारा डिटेल्स। अब सेकेंड सेमेस्टर का तो मसला हल हो गया गाइस। अब आया मतलब ये पार्ट का थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या है ना, अभी लड़कियों से तो मतलब कम लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों से जो ओबीसी है उसका 3210 रुपया है, और जो जनरल वगैरह है उससे 3360 रुपया। लड़कियाँ कोई भी कास्ट हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी हो, उससे 610 रुपया लिया जा रहा है। और एक और मतलब ये मैं तो मतलब एग्ज़ाम अभी जो एडमिशन के लिए ना 500 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा था, जो फॉर्म 100 रुपया में मिलता है। वैसे एडमिशन के लिए कोई फॉर्म कैरी नहीं हुआ था, मतलब हम भी सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर किए हैं, सेकेंड किए हैं, तो कोई फॉर्म नहीं था। ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना, एडमिट कार्ड और रिजल्ट लेकर के जाना है, जाति आवासी जो भी हो वो, और एडमिशन आपका हो जाता था। लेकिन इस बार क्या कॉलेज में क्या जारी कर दिया है कि फॉर्म आता है फिलअप करने के लिए, उसमें मतलब डिटेल्स भरना होता है, और उसके बाद उस फॉर्म का 500 रुपया है। तो एक मामूली सा पेपर है जिसका आपको उसमें अपना डिटेल्स भरना है, क्लास वगैरह, रोल नंबर और जो यही सब भरना है, उसका 500 रुपया ले रहा। बताओ ये लूटने वाला ही काम हो रहा है कि नहीं। ऊपर से और अगर आप मतलब मामूली सा पीडीएफ निकालने जाओगे ना, जैसे रिजल्ट अभी नहीं आया है सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट, उसका निकालने जाओगे प्रिंट आउट तो 10-15 रुपया लेगा। एक एडमिट कार्ड निकालने जाओ तो एक प्लास्टिक में दे दा ऐसा ऐसा प्लास्टिक करके, और फिर रिजल्ट में मतलब एडमिट कार्ड निकाल कर देगा तो उसमें लेगा 20 रुपया। मतलब कॉलेज के सामने साइबर वाला भी है, वो भी मतलब लूटने पे लगा हुआ। कॉलेज वाला तो लूटता ही है, बिहार का ये सिचुएशन है। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ अब। मैं अपने भाई को भेजी थी, अभी थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन चल रहा है, मैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में ही बोल रही हूँ। तो मैं अपने भाई को भेजी थी, तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है आप ही यहाँ तो 500 रुपया फॉर्म का लग रहा है। मैं बोली है कौन सा फॉर्म का 500 रुपया दे, मैं घबरा गई। मैं बोली मैं सेकेंड पार्ट का अभी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में मैं एडमिशन करवाई थी, तो कहाँ कोई फॉर्म था। तो वो कह रहा नहीं नहीं 500 रुपया फॉर्म का लग रहा है। मैं बोली ठीक है फॉर्म लेकर भरो, मुझे दिखाओ कैसा फॉर्म है। तो वो फॉर्म का मामूली सा फॉर्म था, तो उसका 500 रुपया लिया। फिर वहाँ काउंटर पे गया फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो चालान काट कर दिया इतना बड़ा, तो वो 610 रुपया लिया था। लेकिन तो मेरे टोटल इतने खर्चे हुए हैं इस बार। तो दीदी बताइए इतना लूटता है कॉलेज वाला सब भी। और एक और इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रहा है कि मतलब मैं एडमिशन करवा ली हूँ, क्योंकि मेरा भाई लोग चला गया था, तो फिर मैं बोली कि ठीक है करवा दो, ज़्यादा पैसा ले रहा तो क्या हो गया। लेकिन अभी सुनने में आया है कि जैसे सेकेंड सेमेस्टर में बहुत हल्ला हंगामा हुआ था ना फी को लेकर के, मतलब पैसे को लेकर के, वो कल मेरे कॉलेज में हल्ला हंगामा होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इतना अफोर्ड्स नहीं कर पाएंगे, गार्जियन भी नहीं देता है इतना ज़्यादा पैसा। 1000-2000 रुपया 1000-1500 रुपया फ़ी होनी चाहिए थी लड़का लोग के लिए, और लड़की लोग के लिए 300-400 अप्रॉक्स था फॉर्म वॉर्म का। अगर आपको फॉर्म का पैसा ले रहे थे तो 150 रुपया बहुत। मैं तो फॉर्म फिल करवा ली हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरा भाई लोग गया था, तो वो मेरा तो हो गया काम। तो सुनने में ये भी आ रहा है, मैसेज इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि मतलब कुछ लड़का लड़कियाँ 3 या 4 तारीख को, क्योंकि 29 से लेकर और 4 तारीख तक ही लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, मतलब एडमिशन करवाने का। इतना कम डेट को 30 दिसंबर को भेज कर भाई को मैं एडमिशन करवा ली हूँ, कि मैं ये सोची कि इतना कम टाइम है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैं ये डर से अपना करवा ली, मेरा तो हो गया। अब लास्ट डेट मतलब 4 जनवरी तक ही लास्ट डेट है। अब बताओ इतना कम डेट में कैसे क्या मैनेज होगा, पता नहीं। कम अगर आप 5 तारीख को जाओगे ना, 5 जनवरी को एडमिशन लेने के लिए, तो आपका 100 रुपया लेट फाइन लेगा कॉलेज वाला, ये तो है। तो गाइज अब आप ये बताइए कि इतना पैसा
और सुनने में ये भी बात आ रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन आया है मेरे कॉलेज की तरफ से कि कुछ लड़का लड़कियाँ मतलब 3 या 4 जनवरी को मतलब कुछ प्रिंसिपल से जाकर बात करेंगे, मतलब फ़ी के मामले में कि हम लोग हर 6-6 महीना पर इतना इतना फ़ी कहाँ से ला करके देंगे बताओ। ये तो सही बात है ना कि कहाँ से ला करके देंगे, लड़का तो अरेंज करके दे भी सकता है लेकिन लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही फ़ी है, लेकिन लड़कियां कहाँ से ला करके अरेंज करके देगी। तो हम मेरा तो जितना पैसा लगना था वो लग गया। अब अगर कॉलेज से मतलब प्रिंसिपल से बातचीत हुआ स्टूडेंट का तो उम्मीद है कि कुछ फ़ी कम कर दिया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में भी यही हुआ था, हम लोग से भी 3,000 रुपया मांग रहा था कॉलेज वाला लोग, तो हम लोग भी मतलब लड़कियां लोग कुछ बहुत हल्ला हंगामा हुआ था पिछली बार भी, तो कम 3,000 से डायरेक्ट 300 रुपये पे आ गया। ये हुआ था, तो अभी भी उम्मीद है कि फ़ी कम कर दिया जाएगा। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय बाय।